नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं आपका दोस्त अमित महाजन। पूरी दुनिया में एक छोटे से वायरस ने लॉकडाउन लागे रख दिया। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया का काम अचानक रुक गया और दुनिया थम गई। लॉकडाउन लग गया, भारत भी शामिल था, भारत में लॉकडाउन लग गया। उस लॉकडाउन के दौरान कुछ कोरोना वॉरियर्स बाहर निकल के सामने आए। कोरोना वॉरियर्स ने अपने जिंदगी में काम किया, जिसने काम किया उसके बाद में करेंगे। हमारा मौजूद है उन्हीं कोरोना वॉरियर्स में से एक वॉरियर, कुलदीप सिंह बसीर जी। सर स्वागत है आपका, बहुत मुबारक आपने ऐसा कोरोना वॉरियर बन के अपने क्षेत्र में काम किया। और आपसे सिंपल सवाल पूछना चाहूंगा सर, लंगर लगाया, सैनिटाइजेशन करी, ये काम लगभग हर कोरोना वॉरियर ने किया, आपने भी किया, राशन बांटा, बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें बात आराम से करेंगे। मगर आपने जो एक और यूनिक काम किया, वो यूनिक काम किया, डॉक्टर्स के ही ग्रुप बनवा डाले पूरे सोसाइटी के अंदर, यानी कि पूरे के पूरे कीर्ति नगर के अंदर आपने डॉक्टर्स के ग्रुप बनवा डाले। ये क्या काम था और सोच कहाँ से आई? अमित जी, सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए थे जब लॉकडाउन किया, तो उसमें एक निर्देश ये था कि बुज़ुर्गों और बच्चों को ये वायरस ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, तो इनको ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, बाहर नहीं आना चाहिए। तो इस चीज़ को लेके हमने ये सोचा कि इन बच्चों को और बुज़ुर्गों को मौसमी बुखार, खांसी, जुकाम, पेट दर्द, ये चीज़ें अक्सर रहती हैं, तो ये जब तक लॉकडाउन रहेगा इनमें से लोगों को जब कोई परेशानी आएगी तो कैसे सॉल्व होगी। इस चीज़ को देखते हुए मैंने उसी एरिया के डॉक्टर्स की एक लिस्ट बनाई और उनसे जाकर मिला और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप सामने आएँ लोगों की सेवा के लिए। तो इसमें जो है बुज़ुर्गों की और बच्चों की मदद हो सकती है। तो मुझे बड़ी खुशी से कहना पड़ रहा है कि सभी डॉक्टर्स ने मेरा साथ दिया, मेरे को आश्वासन दिया, अपने फ़ोन नंबर दिए कि और समय बताया कि इस समय पे हमारे को कांटेक्ट करें, कोई भी हम निःशुल्क उनको सलाह भी देंगे और कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो उसका ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन भी उनको बताएंगे, जिससे वो अपना समाधान कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कुलदीप सिंह जी प्रधान है, तो इन्होंने काफ़ी हमें खा, तो इनके साथ बैठ के ये आइडिया बनाया और ये आगे फ्लोट किया। ये अपना व्हाट्सएप ग्रुप इन्होंने बनाया, तो इन्होंने क्या जी जिन्हें भी डॉक्टर्स है जिद जनरल फिजिशन है, डेंटिस्ट है, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, सारा जी उन्होंने क्या भी असी जेडे बंदे उन्होंने नॉर्मल घरों भी कंसल्ट कर सकते हैं, जेड़ा हुण क्लिनिक अजकल बंद है तो घरों भी कंसल्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने वास्ते इन्होंने एक ग्रुप बनाया सीगा, जेडे इन्होंने एक डॉक्टर की लिस्ट बनाई सी, और लिस्ट में सारे डॉक्टर इन्होंने लिस्ट किए, तो टाइम टू टाइम सानू कॉल आते रहे पेशेंटा दे, तो असी ऑनलाइन उन्होंने कंसल्ट करते रहे। हैल्प इस तरह ही है कि जिन्होंने परेशानी सी, जो प्रॉब्लम से, उन्होंने असी व्हाट्सएप से या फोन से उन्होंने असी दवाइया दसिया, तो ट्रीटमेंट तो हाले शुरू नहीं हो सकता क्योंकि क्लिनिक्स बंद है, तो असी उन्होंने फिर सारा मतलब सारा कुछ समझाया व्हाट्सएप से, उन्होंने दवाइया प्रिस्क्राइब कीतियाँ दसिया सारिया, वो करके उन्होंने बेनीफिट मिले। देखिए, सब तो पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा सरदार कुलदीप सिंह जी का, जिन्होंने लॉकडाउन के इस तरह का एफर्ट लिया जिद लोगों मैडिकली जी एक सहूलीत मिल सके, क्योंकि इन्हों दिन सारे क्लीनिक बंद सी, तो बजुर्गों हर किसी को बड़ी तरह की प्रॉब्लम आ रही थी क्लीनिकली कि उन्होंने एडवाइस चाहिए सी, जो मोल चल रहा है, तो वो साढ़े को बड़े तरह के पेशेंट ने साढ़े को राय ली है, उन्होंने जो अजक कोविड चल रहा वो बारे उन्होंने राय ली, सीजन चेंज हो रहा जिस तरह गर्मी बहुत पै रही थी वो बारे उन्होंने साढ़े को राय ली, तो असी उन्होंने फोन के उत्ते ही सजेशन दी सारी, तो जो असी दवाई उन्होंने फस्ट एड के तौर पर दे सकते सी असी उन्होंने सजेशन भी दी है, तो दवाइया भी असी रिकमेंड की। बिल्कुल डेफिनेटली, जिथे बिल्कुल लॉकडाउन है और हर क्लीनिक बंद है और वो अगर लोगों को फोन पर कंसल्टेशन मिल रही है और वो लोगों ने बहुत बेनीफिट लिया, उन्होंने
काफ़ी हैल्प मिली है जिसे जो अपनी प्रॉब्लम घर बैठे सॉल्व कर पाए ने। असी कुछ घरेलू ट्रीटमेंट भी उन्होंने दिते ने। सब तो पहले तो मैं कुलदीप अंकल नूं थैंक यू कहना चाहना जो उन्होंने इनिशिएटिव लेता है जिहड़े लोकी घरों बाहर नहीं निकल पा रहे लॉकडाउन की वजह नाल उन्होंने कार बैठ के कुछ एवं जे नुस्खे उन्होंने थ्रू मिलते पे ने जिदे वजह नाल वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स नूं अच्छे तरीके नाल हैंडल कर सकते ने। ये हमारे सरदार जी हैं मेन तो कुलदीप सिंह जी, इन्होंने ही हमें अप्रोच किया और हमने डॉक्टर्स ने मिल करके जो भी कोई फ़ोन आता है उसको अटेंड करते हैं और गाइड करते हैं। मेन तो हमारा यही काम है, फ़ोन पे जाना तो कहीं नहीं है क्योंकि जितनी डिस्टेंस का फॉलो करेंगे रूल उतना ही फ़ायदा होगा। उसके लिए हमने उनको ऑन कॉल दिया, सलाह दिया, मेडिसिंस बताई, साथ में हमने एक ग्रुप बनाया है कुलदीप सिंह जी की उसमें, और उससे हमने दो तीन चार डॉक्टर्स हैं उनका पैनल बना के, और जो भी पेशेंट्स के फ़ोन आते हैं उनको गाइड कर देते हैं। हमारे कीटनर क्षेत्र में कुलदीप जी जितना काम कर रहे थे पूरे ढाई महीने से और पहले से, लेकिन लॉकडाउन के बाद इन्होंने वहाँ पर पूरे क्षेत्र में लंगर की व्यवस्था दिन रात 24 घंटे जो भी किसी को भी इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर कोई भी खाने की किट जो चाहिए सुबह शाम खाना बंटवाना और तमाम सैनिटाइज का एरिया इन्होंने पूरे क्षेत्र कीर्ति नगर के अंदर सैनिटाइज किया। जब दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ी आई उनके साथ भी किया, जापानीज गाड़ी के साथ भी किया, और ख़ुद पर्सनल जाकर एक एक घर में जाकर उन मशीनों के द्वारा खुद कंधे पे टांग कर मकानों को सैनिटाइज किया। सर बींग आई ब्लॉक प्रेसिडेंट, आप जिन्हें ए सर्टिफिकेट जो सब वंडे थे स्पेशली इन्होंने क्यों वंडे? स्पेशली इस करके इन्होंने वंडे इन्होंने इस पूरे ब्लॉक की काफ़ी सेवा की है, तो कर दिया पूरे ब्लॉक में आई ब्लॉक में सैनिटाइज किया है, घर घर जाके किया है और लंगर तैयार करा के लंगर इन्होंने वंडे नीडी है जेडे जरूरत है। ठीक है जी, बाकी कोई भी किसी तकलीफ होती है सिंह साहब खड़े ये हर वक्त सर्विस देने को तैयार है। इस कोरोना टाइम के अंदर कितने लोगों ने लंगर वगैरह पक्के गया इस पास का आइडिया क्या? नंबर तो मैं नहीं दस सकता लेकिन इतों बन के गया सब घर चो बन गया। अच्छा, कोई थोड़े थोड़े लंगर सारे घर चो बन के जाता से अगर आगे शुरू कर। ठीक है, थैंक यू। हाँ, क्योंकि असी सर तुम कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मैं इन्हों थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि ब्लॉक के जो साढ़े रेजिडेंट्स है अगर उन्हों की सानू कोटेशन ना मिलती तो मैं सेवा ना कर पाता। तो मैनू इस सारे ब्लॉक की बल्कि पूरे कीर्ति नगर की सहयोग मिलिया जो मैं ये सेवा हूँ तक करता आ रहा। तो मैं प्रवीण खन्ना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता जिन्होंने मैनू इन्ना माण दिता, इन्नी इज्जत दिती। मैं इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करता। कल आपको शिवचंद गोयल जी ने सर्टिफिकेट भी दिया एज अ कोरोना वॉरियर, कितनी खुशी मिली और आप इस कोरोना वॉरियर सर्टिफिकेट को किस तरह शेयर करना चाहते हैं? मैं MLA श्री शिवचरण गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मेरे को इस लायक समझा, मेरे को इतना सम्मान दिया। लेकिन ये सम्मान सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये उन सारे भाइयों के लिए है जिन्होंने मेरा साथ दिया। सबसे पहले कीर्ति नगर की संगत है, उसके बाद RWAs के मेंबर हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन लोगों ने मेरे को बढ़ चढ़कर साथ दिया जिसकी वजह से मैं ये हर प्रकार की सेवा कर पाया और अभी तक कर रहा हूँ। आपको अगर बात करें तो RWA के जो लोग हैं जो प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने भी बहुत सबने सर्टिफिकेट द्वारा दिए आपको। हाँ जी, आपके साथ बातचीत करी, क्या मतलब था सर्टिफिकेट देने का, क्या रीज़न था?
ये सर्टिफिकेट जो है एक सम्मान के रूप में दिया उन्होंने कि जो मैंने निस्वार्थ और अनथक सेवा जो करी है वो उनकी नज़र में आई, उन्होंने इसको सराहा और सम्मान देने का फैसला किया और मुझे वो एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया। लगभग आपने पूरे 2 महीने का जो लॉकडाउन पीरियड था आप सेवा के लिए बाहर आ चुके थे और सेवा करने के बाद आपने काफ़ी क्या खुद को डर नहीं लगा कभी कि मुझे कोरोना हो जाएगा तो? नहीं, ये चीज़ जो है अगर डर के करेगा आदमी तो नहीं कर सकता, ये उस मालिक की इच्छा होती है, वो जिसके ऊपर कृपा करता है वही सेवा कर सकता है, आम आदमी नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ ये मालिक की कृपा थी जो उन्होंने मेरे को हिम्मत दी, मेरे को ऐसे लोग मिलवाए जिन्होंने मेरा साथ दिया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक मायने रखती हैं सेवा करने में। कितने पैसे लग गए सिर्फ सवाल, क्योंकि पैसा सिर्फ पैसे की तो सेवा होती नहीं है। मैं एक आपको छोटी सी बात सुनाता हूँ। एक बार बुल्ले शाह जो थे वो दूध लेने के लिए गए, तो वो दूध वाली जो ग्वालन थी वो सबको दूध दे रही थी, तो उसने सबसे पैसे लेती, उस हिसाब से उसको दूध गिन के दे देती, नाप के दे देती। तो एक गबरू जवान आया, उससे उसने पैसे लिए, वो गिने बिना रख दिए और उसका पूरा लोटा भर के दूध का दे दिया। तो बुल्ले शाह ने सोचा कि सबसे पैसे ले के ये दे रही है दूध, नाप के दे रही है, तो इसको कैसे इसने दे दिया। उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछ लिया भी आपने इस नौजवान को बिना पैसे गिने रख लिए और दूध भी नापे बिना दे दिया। तो उसने कहा जहाँ इश्क होता है ना तो वहाँ हिसाब किताब नहीं रखते हैं। तो ये बात बुल्ले शाह को बहुत दिल में चुभी कि एक अनपढ़ गवार औरत यह कह रही है जहाँ इश्क होता है तो वहाँ हिसाब किताब नहीं देखा जाता। तो मैं जो गिन गिन के भगवान का नाम लेता हूँ या सेवा करता हूँ तो मेरे को तो लानत है। उसने जो है जो माला है उस दिन से फेंक दी और कोई हिसाब नहीं रखा। तो यही चीज़ मेरे दिमाग में थी और मैंने ना तो कोई पैसे का हिसाब रखा है ना करा है। मेरे दिमाग में तो यही था कि अगर उस प्रभु से इश्क है तो उसी के निर्देश पे हमने चलना है, उसके कहे कह कर। बात कही आपने, बहुत खूबसूरत बात करी। बस ये उस मालिक की कृपा है जो मेरे को ये सेवा करवाई है। दोस्तों आपको मिलवाया हमने एक कोरोना वॉरियर से। अब हमारी कोरोना वॉरियर की सीरीज हमने शुरू करी है और जिन लोगों ने पिछले 2 महीने के लॉकडाउन के दौरान लोगों की सेवा करी है हम उन्हें सम्मानित भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपसे उनकी मुलाकात भी करवाएं और उनके मन के भाव आप तक भी। दोस्तों वॉइस ऑफ इंडिया छोटा सा उपराला किया है और अपने कुछ सर्टिफिकेट यादगार के तौर पे हर कोरोना वॉरियर को देने की कोशिश की है। तो उसी बारे में पहले आज एपिसोड में जो आए हैं कोरोना वॉरियर कुलदीप सिंह बसीन जी, सर आपको सर्टिफिकेट से सम्मानित करना चाहेंगे और आपके कोरोना वॉरियर सर्टिफिकेट तो कागज का टुकड़ा है मगर सम्मान है आपके काम को, सल्यूट है आपके काम को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को इस लायक समझा। ये जो सम्मान होता है ये छोटी चीज़ नहीं है, अगर समझा जाए तो दिल में हमेशा के लिए रह जाता है और ना समझे तो ये कागज़ का टुकड़ा है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, आपने जो मेरे को ये सम्मान दिया, मेरी इज्जत करी, मेरा मान बढ़ाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वॉरियर्स एक नहीं अनेक हैं मगर इन सब अनेक कोरोना वॉरियर्स की पहचान आप लोग भी हमारी हेल्प कीजिए। हम हर उस शख्स तक पहुंचना चाहते हैं जिसने इस लॉकडाउन के दौरान सेवा की,
लोगों की सहायता करी, कुछ लोगों को हम कवर कर पाए, कुछ बहुत से लोगों को हम कवर नहीं कर पाए होंगे, मगर उनका काम भी किसी से कम नहीं है। तो हम उन सब से मिलना चाहते हैं, उन सबको सम्मानित करना चाहते हैं। आपको भी लगता है कि आपके क्षेत्र में कोई कोरोना वॉरियर है जिन्होंने इस पूरे 2 महीने एपिडेमिक लगातार सेवा की है, तो प्लीज उनका नाम, नंबर और उनके काम के कुछ डिटेल्स हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, फेसबुक मिल जाएगा, और हमारे फेसबुक पेज पे हमारे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, मैसेज बॉक्स में भेज सकते हैं, या हमें यूट्यूब के ऊपर हमारे वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हैं और उन सबके नाम कीजिए, हम उस हर शख्स को सम्मानित करेंगे। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल, नमस्कार।